डी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इजेड असैसमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल विद रेफर स्पेस स्टैंडर्ड्स। वेन एवर वी टॉक अबाउट कन्फाइंड स्पेस स्टैंडर्ड्स, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन स्टैंडर्डी नाइन सी एफ आर वन नाइन वन जीरो पॉइंट वन फोर सिक्स ये बेसिकलीट्स ऑफ फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरह वर्कर ने कन्फाइंड स्पेस को यूटिलाइज करना है फॉर एक्ज़ाम्पल प्री प्लान अ कन्फाइंड स्पेस इंसिडेंट नंबर टू एसेस द इंसिडेंट्स थर्ड कंडक्ट मॉनिटरिंग ऑफ द कन्फाइंड स्पेस एनवायरमेंट एंड फोर कंट्रोल एनी हैजर्ड प्रेजेंट अगर इन चार चीज़ों को देखा जाए डी स्टूडेंट्स तो इनमें जिन चीज़ों को बयान करने की कोशिश की गई है वो ये है कि जो कन्फाइंड स्पेस है जिसको यूटिलाइज करना है वर्कर ने वो प्रॉपर यूटिलाइज हो अगर वहाँ पे किसी किस्म का इंसिडेंट हो जाता है तो उसको कंट्रोल किया जा सके मोनिटर किया जा सके फर्दर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एंट्री देन एंटर दफाइंड स्पेस पहले उसकी एंट्री प्रिपेयर हो फिर वहाँ पे आप एंटर हों फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे इस कैंपस में एंटर हुआ तो गेट के ऊपर मुझे उन्होंने चेक किया टेस्ट किया उसके बाद मुझे कैंपस की एंट्री दी फिर मैं यहाँ पहुँच के आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ अगर इस तरह तमाम चीज़ों का रेकड ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हो तो आपको मालूम हो सकता है कि कहाँ पे किस आदमी के साथ किसी किस्म की प्रॉब्लम पेश आई है पैकेज एंड रिमूव द विक्टम फ्राम कन्फाइंड स्पेस रिमूव एंड रेस्क्यू फ्राम कन्फाइंड स्पेस सिक्योर द कन्फाइंड स्पेस अब ये जो चारों चीज़ें हैं इनमें ये बयान किया गया है कि जो कस्टमर है उसको मालूम होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस को यूटिलाइज कैसे करना है मैनेज कैसे करना है कोई प्रॉब्लम इंसिडेंट हो जाए तो मैनेज कैसे करना है रेस्क्यूअर कैसे वहाँ से बंदे को लेके जाएगा और हेल्प आउट करके वापस वहाँ पहुँचाएगा कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट पॉलिसी उस वक़्त तक कन्फाइंड स्पेस आपकी प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो सकती जब तक वहाँ पॉलिसीज ना हो पॉलिसी डी स्टूडेंट्स एक जनरल गाइडलाइन है जिसमें रहते हुए हम डिसीजन करते हैं

जिसकी वजह से वंडर यूटिलाइज होगी या मिस यूटिलाइज होगी कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट पॉलिसी के कुछ डी स्टूडेंट्स पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को फॉलो करके हम कन्फाइंड स्पेस मैनेजमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके जो फोर पॉइंट्स हैं वो ये हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल पहले पॉइंट का ये मतलब है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है सुपरवाइजर है मैनेजर हैं उनको मालूम हो कि हमने कैसे कन्फाइंड स्पेस को कंट्रोल करना है सेकंड ट्रेनिंग फॉर ऑल एप्लीकेबल परसोनल्स जितने भी परसोनल्स उस जगह को यूटिलाइज करेंगे उनकी ट्रेनिंग हो ट्रेनिंग का ये मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर शी कैन परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज इन अ बेटर वे ये ट्रेनिंग है तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो जो ट्रेनिंग है वो जब तक एम्प्लॉज को नहीं देंगे वो प्रॉपर कन्फाइंड पे यूटिलाइज नहीं कर सकते परमिटिंग प्रोसीजर आप हर काम का कोई प्रोसीजर्स है सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है सेट ऑफ़ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करके आप उसके गोल अचीव कर सकते हैं और लास्ट वर्क टीम रिक्वायरमेंट अगर एक काम को करने के लिए पांच लोग मौजूद हैं तो पांचों लोगों को मालूम हो कि हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जब वो पांचों लोग कलेक्टिवली काम करेंगे ऑटोमेटिकली कन्फाइंड स्पेस के इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे और जो वर्क टीम रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल्मेंट होगी ऑटोमेटिकली आप ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे